Hello students and welcome to Roshi's Education Point. Today we are starting with your social studies textbook, class 4, chapter 2. The name of the chapter is The Northern Mountains. We have already done part 1 and part 2 of this chapter. This will be the part 3 of this chapter today. So today we will start with the story of seven sisters. From here, we will start today. The previous lectures is all about the first part or the first section of this chapter. Today, this video is started from the middle. This is not the starting of the chapter. We are starting it from the middle. Let's start reading it now. The Purvanchal range of the Himalayas lies on the eastern border of India and enters Myanmar. Ab ye jo Purvanchal range hai, of the Himalayas. ये Himalayas का ही part है and it lies on the eastern border. India के east side के border में ये पड़ता है जो ये हमारे four directions होते हैं east वाली side में रहता है और ये India के अंदर Myanmar से enter होता है. These ranges are located in the states of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Assam, एंड त्रिपुरा. हम पूर्वांचल रेंज के बारे में बात कर रहे हैं. पूर्वांचल रेंज इन सभी स्टेट्स में लोकेटेड हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पटकाई रेंज. पूर्वांचल रेंज का अदर नेम है पटकाई रेंज. दीज स्टेट्स आर कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया वाया अ नैरो स्ट्रिप इन वेस्ट बंगाल कॉल्ड द सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन्स नेक. अब ये जो स्टेट्स हैं, सेवन सिस्टर्स हैं, ये बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट करने के लिए एक बहुत पतली सी स्ट्रिप है इन वेस्ट बंगाल और इसका नाम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन्स नेक. इसी से हमारी सेवन सिस्टर्स रेस्ट ऑफ द इंडिया से कनेक्ट हो जाती हैं. इन सेवन सिस्टर्स में जो नंबर वन पर आता है दैट इज़ असम. असम इज़ a northeastern state of India among the hills of the Purvanchal. Purvanchal hills mein northeastern side mein hai hamara Assam. Its capital is Dispur. Assam ki capital hai Dispur. Assam lies between the Brahmaputra and the Barak river valleys. Do river valleys ke beech mein hai hamara Assam. Ek hai Brahmaputra and dusra hai Barak river. A land of high rainfall, असम इज़ ब्लेस्ड विद लश ग्रीनरी. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बारिश होती है इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं और इसी वजह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. इट इज़ सराउंडेड बाय द अदर सिक्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ये तो सेवन हमने एक पढ़ा ना, तो एक के बाद अब बचे हैं सिक्स. तो ये सराउंड करती हैं असम जो है, असम के आसपास सिक्स और स्टेट्स हैं. The state of Assam also shares international borders with Bhutan and Bangladesh. International borders are हमारी ये असम है, ऐसी ऐसी countries के साथ भी border share करती है जो कि India का part ही नहीं है. ये Bhutan के साथ भी border share करती है और Bangladesh के साथ भी border share करती है. Assam is famous for its tea gardens. Assam में टी गार्डन्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है. हैंडलूम्स एंड हैंडक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ों के लिए असम बहुत ज़्यादा फेमस है. असम हैज़ सक्सेसफुली कंजर्व्ड द फेमस वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसेरोस फ्रॉम एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जब वो स्पीशीज़, वो प्रजाति, वो एनिमल टाइप दुनिया से ख़त्म हो जाता है. तो एक टाइम था जब वन हॉर्न्ड इंडियन राइनोसेरोस का ये जो स्पीशीज़ है ये दुनिया से ख़त्म होने वाली थी, तो असम ने इसे बचाया था. इट इज़ पॉपुलर फॉर वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्पेशली इन द काजीरंगा नेशनल पार्क. एक वाइल्ड लाइफ टूरिज्म सेंचुरी है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, उसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क और इसके लिए कि असम बहुत ज़्यादा फेमस है. अब सेवन सिस्टर्स में नंबर टू पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश. द कैपिटल ऑफ द स्टेट इज़ ईटानगर.
अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर. अरुणाचल प्रदेश हैज़ डाइवर्स वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड मैग्निफिसेंट वाइल्ड लाइफ. अरुणाचल प्रदेश में बहुत से वैरायटी के प्लांट्स भी मिलेंगे आपको और वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलेंगे. टेरेस फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ याक एंड माउंटेन शीप इज़ पॉपुलर. ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में किए जाते हैं. राइस इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन दिस रीजन. राइस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे ग्रो होता है. पिसिकल्चर इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड. देर आर अ नंबर ऑफ प्लेसेस टू विजिट इन दिस स्टेट लाइक द गंगा लेक, तवांग मॉनेस्ट्री, सेला लेक, ज़ीरो वैली एंड नामदाफा टाइगर रिजर्व. ये वो जगह हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं और यहाँ पे टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं. अ वैरायटी ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड हियर लाइक रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, हाइकिंग एंड बोटिंग. ये सारे वो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. अरुणाचल प्रदेश इज़ होम टू अ नंबर ऑफ ट्राइब्स. हमने पढ़ा था लोकल जो ग्रुप्स होते हैं ना उन्हें ट्राइब्स बोलते हैं. तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स हैं. इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हियर आर. अब कुछ इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं. रे, द्री, न्योकुम, सोलंग एंड लोसर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड स्टेट from the seven states, that is Manipur. The state of Manipur lies in the northeastern part of India. Imphal is the capital city. अगर हम location की बात करें तो ये northeastern side में आपको मिलेगा Manipur, जिसकी capital है हमारी Imphal. The people of Manipur belong to different tribes like Kuki, Naga, Pangal and Mizo. जैसे हमने अरुणाचल प्रदेश वाले में पढ़ा है अलग अलग ट्राइब्स होती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, कुकी, नागा, पंगल एंड मीज़ो. लैंग्वेज जो यहाँ पर मेन बोली जाती है दैट इज़ मणिपुरी. कौन कौन सी जगह यहाँ पर विजिट करने लायक हैं? इम्पॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट आर केबुल, लमजाओ नेशनल पार्क एंड लोकतक लेक. कौन से क्रॉप्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं? टर्मरिक, जिंजर, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वाइडली ग्रोन. तो आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस पढ़नी है, कौन सी ट्राइब्स थी, कौन से प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए और कौन से मेन क्रॉप्स हैं. यही सारी चीज़ें हमें मणिपुर के बारे में दी गई है. अब आते हैं मणिपुर के डांस में, म्यूज़िक में. मणिपुर स्टाइल, मणिपुरी स्टाइल ऑफ डांस इज़ वेरी फेमस एंड इट मोस्टली रिप्रजेंट्स द रासलीला. ये रासलीला काइंड ऑफ करते हैं डांस फॉर्म. इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स, त्यौहार जो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, हेयर आर निनगोल, चाकूबा एंड योशांग. मणिपुर हैज़ गिवन द वर्ल्ड द मॉडर्न वर्जन ऑफ पोलो, सागोल कैंजे. अब पोलो जो गेम खेलते हैं ये मॉडर्न जो वर्जन है ये हमें मणिपुर ने ही सिखाया है. पोलो का गेम मणिपुर से ही आया है. नाउ कम्स द नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ मेघालय. शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय. मेघालय की कैपिटल है हमारी शिलोंग. द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खासी, गरो एंड जैंतिया टुगेदर फॉर्म मेघालय. खासी, गरो एंड जैंतिया, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को जब हम टुगेदर फॉर्म कर देते हैं तो ही हमारा मेघालय बन जाता है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर एग्रीकल्चरलिस्ट. ज़्यादातर लोग यहाँ पर खेती का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं. The main crops grown here are rice, maize, potatoes, pineapples and bananas. ये वो main crops हैं जो कि मेघालय में grow किए जाते हैं. The tribal people of Meghalaya are Khasis, Garos, Jaintia, Boros and Kochis. ये वही हमारे local people, tribal people हैं. Languages की बात करें तो the languages spoken here are Khasi, Garo and English. ये तीन लैंग्वेजेस मेघालय में बोली जाती है. द हाईएस्ट पॉइंट इन मेघालय इज द शिलोंग पीक. शिलोंग पीक पूरे मेघालय में से सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड हियर इज काशत सुख
माइनसियम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ का। लाहू डांस इज़ द फोक डांस ऑफ मेघालय, ये एक ही डांस फॉर्म है विच इज़ द लोकल फोक डांस ऑफ मेघालय। मॉन्सेरम नियर चेरुपंजी रिकॉर्ड्स द मैक्सिमम एनुअल रेनफॉल इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश चेरुपंजी के पास मॉन्सेरम में होती है। देर आर अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स इन द स्टेट, अब यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट फॉल्स, बिशप फॉल्स एंड नौकालिकाय फॉल्स, ये बहुत अच्छी अच्छी वाटरफॉल्स के नाम हैं। मेघालय हैज़ मेनी लेक्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन बीइंग द नोकरेक नेशनल पार्क। यहाँ पर लेक्स देखने लायक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है वो देखने लायक है। सबसे फेमस है यहाँ पर नोकरेक नेशनल पार्क, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ मेघालय। नाउ कम्स मिजोरम, द कैपिटल ऑफ मिजोरम इज़ ऐज़वल, मिजोरम की कैपिटल है ऐज़वल। द हाइएस्ट पीक इन मिजोरम इज़ द ब्लू माउंटेन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड पवन पुई तलंग। अब ये जो पवन पुई तलंग है ये एक ऐसा माउंटेन पीक है, ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है मिजोरम के अंदर। द लार्जेस्ट रिवर इन दिस स्टेट इज़ द कालादान एंड द बिगेस्ट लेक इज़ द पाला लेक। रिवर की बात करें तो सबसे बड़ी रिवर है कालादान और सबसे बड़ी लेक है आपकी पाला लेक। देयर आर मैनी ट्राइब्स अमंग द मीज़ोस, अब मिजोरम के अंदर बहुत सारी ट्राइब्स हैं। मीज़ोज़ आर वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड लव प्लेइंग द गिटार, अब ये जो मीज़ोज़ लोग हैं ये म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनको गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मिजोरम में ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। The women of Mizoram wear traditional costumes with beautiful traditional designs called puan, which is like a wrap-around skirt. अब यहाँ की जो traditional dress है उसको हम design बोलेंगे, इसको puan बोलेंगे। और ये क्या होता है, एक wrap-around skirt है, एक skirt है जिसको आप आसपास अपने wrap कर सकते हैं। Next is Nagaland. It lies in the far northeastern part of India, its capital is Kohima. अब नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा और ये भी हमारे इस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही है नागालैंड भी। लार्जेस्ट सिटी इज़ दीमापुर, नागालैंड के अंदर सबसे बड़ी सिटी का नाम है दीमापुर। द हाइएस्ट पीक इन नागालैंड इज़ माउंट सारामती। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि जो पूर्वांचल रेंज थी वो कहाँ कहाँ थी, पूर्वांचल रेंज में भी पहाड़ थे, तो जो पहाड़ नागालैंड में है सबसे ऊंचा पहाड़ द हाइएस्ट पीक इज़ माउंट सारामती। इट इज़ अ माउंटेनियस स्टेट विद अ नंबर ऑफ ट्राइब्स, नागास बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम। यहाँ पर भी बहुत सारे लोकल ट्राइब्स हैं, नागास उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हेयर, नागालैंड के अंदर भी एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। The farmers grow potatoes, sugarcane, oil seeds, tobacco, pulses, millets, corn and rice. ये सारे वो क्रॉप्स हैं जो कि हमारे फार्मर्स नागालैंड में ग्रो करते हैं। The Nagas weave beautiful shawls with unique designs and bright colors. यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट में ये लोग अच्छे अच्छे तरीके की beautiful shawls बनाते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर्स की। The A grand hornbill festival is held every year during December. Festival की बात करें तो एक hornbill festival होता है हर साल December में। It showcases the culture of Nagaland. इस festival में Nagaland के culture के बारे में बताते हैं। Every tribe has its own language. Nagaland में जितनी भी छोटी छोटी tribes हैं सभी की खुद के अलग language है। The most commonly spoken language is Nagamese. नागालैंड में जो लैंग्वेज सबसे कॉमनली लोग बोलते हैं उसे नागामीज बोला जाता है। प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट आर वावाडे वाटरफॉल, किसामा हेरिटेज विलेज, ये वो जगह हैं जहाँ पर
टूरिस्ट आ सकते हैं, देखने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब खाने की डिशेस की बात करते हैं। अनीशी एंड अक्सोन आर पॉपुलर डिशेस ऑफ द स्टेट। ये दोनों डिशेस नागालैंड में बहुत ज़्यादा काफ़ी फेमस है। नाउ अमंग द सेवन स्टेट्स सेवन सिस्टर्स त्रिपुरा इज द लास्ट वन। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही कहलाती है इंडिया के लिए। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल का नाम है अगरतला। इट इज़ अ डेंसली फॉरेस्टेड एरिया। यहाँ पे बहुत सारे जंगली जंगल है, घने जंगल हैं। केन एंड बैम्बू ग्रो इन अबंडेंस। यहाँ पे केन और बैम्बू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उगाए जाते हैं, पाए जाते हैं। दिस रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन। क्योंकि यहाँ पर हरियाली है, इतने सारे फॉरेस्ट हैं, इसका मतलब यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी है, भारी बारिश भी होती है मानसून में। इट हैज़ अ रिच फ्लोरा एंड फौना। फौना का मतलब होता है एनिमल्स, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स। तो यहाँ पे बहुत से वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स भी पाए जाते हैं। देयर आर मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स लाइक द क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एंड द सिपाहिजोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दो ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स हैं जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है एंड ये काफ़ी फेमस भी है। द पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर एंड ग्रो शुगर केन राइस पल्सेस एंड जूट। बेसिकली यहाँ पर भी लोग एग्रीकल्चर ही करते हैं। और वो कौन कौन से क्रॉप्स उगाते हैं? तो शुगर, राइस, पल्सेस और जूट। रबर एंड टी आर इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप्स ऑफ द स्टेट। रबर एंड ट्री भी यहाँ पर ग्रो होता है। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें तो हैंडीक्राफ्ट्स लाइक वुड कार्विंग्स, बैम्बू प्रोडक्ट्स एंड केन वीविंग इज़ एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस्ड। क्योंकि यहाँ पे बैम्बू और केन ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है तो इसी की वीविंग यहाँ पर की जाती है। पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूज़िक। यहाँ के लोगों को डांस और म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड हियर आर द सरिंदा एंड सुमुई। ये ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। गरिया एंड झूम आर सम ऑफ द डांस फॉर्म्स ऑफ दिस स्टेट। ये ऐसे लोकल फॉर्म्स हैं, डांस फॉर्म्स जो कि त्रिपुरा में लोग डांस करते हैं इन पे। द वुमेन वेयर अ थ्री पीस ड्रेस कॉल्ड रिगनई, रीसा एंड रीकुटू। ये एक तीन अलग अलग पीसेस की ड्रेस है जो कि वुमेन्स वेयर करती हैं यहाँ पे। द ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मैन इज़ कॉल्ड कम चलवी बोरोक। एक जो ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ पर मैन वेयर करते हैं उसको कम चलवी बोरोक के नाम से जाना जाता है। टुडे मोस्ट पीपल वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स। आजकल तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स तो बहुत कम ही लोग पहनते हैं एंड बेसिकली सभी वेस्टर्न क्लोथ्स ही पहनते हैं। So with this, our chapter is over. Chapter 2 is complete. This chapter consists of three different parts. Part 1, Part 2 and Part 3. Today we have completed the third part of this chapter. And with this, the whole chapter is completed. If you're having any doubts in this chapter, kindly write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching. Keep sharing.